बस्ती जनपद में एक बार फिर हजारों की संख्या में आबादी पलायन करने को मजबूर हो गई है। कारण उनके घरों में सरयू नदी का पानी घुस चुका है। ये आज की बात नहीं है, आज़ादी के बाद से ही ये सरयू नदी के तटवर्ती गांव के लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और एक प्रवासी की तरह दूसरी जगह जाकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। जब पानी का जलस्तर घटता है तब वो दोबारा वापस अपने घर को आ पाते हैं। लेकिन इस बीच अगर सबसे ज़्यादा किसी को दिक्कत होती है तो उनके मवेशियों को होती है। उनके चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती, बच्चों को पढ़ने के लिए पूरी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो जाती है, उनका आवागमन बाधित हो जाता है। गुहार तो हर साल लगाते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बाढ़ के नाम पर राहत पैकेज आज चीज़ें तो करवा दी जाती हैं लेकिन इनको बाढ़ से परमानेंटली कैसे राहत मिलेगी इस पर कोई भी अमल नहीं करता है। देखना यह होगा कि कब तक ये लोग इस बाढ़ रूपी प्रकोप से बाहर आ पाएंगे। पेश एक रिपोर्ट। लोग आ जा रहे हैं नाक द्वारा, आज जा रहे हैं सर। कितनी नावें लगी हैं? नावें अभी आपको नहीं लगी हैं, हम लोग लेकिन लेके आ रहे हैं। गांव में यह आने जाने का सब लोग आते हैं हर साल, कह जाता है रास्ता के लिए, रास्ता भी नहीं ऊंचा करा दे रहे हैं कि ऊंचा हो जाए तो ठीक हो जाए, बोल के जाते हैं बाढ़ के सीजन में, उसके बाद फिर नहीं पटता हम लोग का रास्ता। बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं आने पर। अरे बाढ़ आने पर बहुत परेशानी है, लड़कियों को तारना है, भैंस चारा को ले आना है, जाना है कुल। कितना पानी हो गया है? पानी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, खाली बस अब थोड़ा और रह गया है ऊपर आने के लिए। कितने बच्चे हैं डेली लेके आना जाना पड़ रहा है इस समय? अरे बहुत से बच्चे हैं, कम ना ही बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो सुबह शाम बच्चों को लाना पड़ता है? हाँ हाँ। क्या स्थिति है आपके गांव की? गांव के चारों तरफ घर के आरी आरी पानी लगा है, पूरा घिरा है। तो आप लोग कैसे आ जा रहे हैं? नाव से अपने आ रहा है। तो कहां से रोड लेने जा रहे हैं? बंधे पे, जानवर और बंधे पाए गए हैं। तो आप लोग भी अपना सामान लेके आ रहे हैं? हाँ। क्या क्या लेके आ रहे हैं? हटिया वटिया अपना बिस्तर उस्तर सब कुछ ला रहे हैं। कहाँ जाएंगे? यही बंधे पे रहेंगे। खाने पीने को व्यवस्था है? अभी कुछ नहीं हुआ। फसल सब नुकसान हो गया बहुत। लगभग कितनी फसल नुकसान हुई? बहुत ज्यादा हो गया। क्या अभी डेढ़ से पार आएगी, पानी और भी बढ़ेगा लगता है? पानी बढ़ जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार पानी है कि पिछली बार ज्यादा? पिछली बार ज्यादा थी, अभी कम बात थोड़ी, अभी बढ़ने की संभावना। हाँ, बढ़ने की बात संभावना। क्या नाम है आपका? जगदीश। कि बस्ती जनपद पहले से ही जो बाढ़ की दृष्टि से 24 अति संवेदनशील जनपद है उनमें शामिल है और अब तक विभिन्न चरणों में कुल 491,000 क्यूसेक पानी अपस्ट्रीम से छोड़ा गया है, जिसके प्रभाव के कारण जो हमारे फ्रंट जोन में से कुछ गांव हैं, दो गांव हैं विशेष रूप से, जिनमें जल स्तर में वृद्धि हुई है और आवश्यक सभी तैयारियां वहां कराई गई हैं। हम निरंतर अपस्ट्रीम के विभिन्न बैराज में नजर भी रखे हुए हैं, कहीं पर कोई भी स्थिति होने में तुरंत सभी को अलर्ट किया जाएगा और बाढ़ संबंधी सभी हमारी तैयारियां पूरी हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या जन सामान्य को नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया कि विश्वनदासपुर और सुविखा बाबू जो कि हमारे नदी के किनारे एकदम स्थित गाँव है, इनमें जो भी आवश्यक तैयारी है, नाव की व्यवस्था, मोटरबोट की व्यवस्था या राशन वितरण की व्यवस्था, वो सभी सुनिश्चित कराई जा रही है और लोगों को ऊंचे स्थान पर भी जाने के लिए कहा गया है। इनमें भी जो कृषि संबंधी क्षेत्र है उनमें थोड़ा सा पानी जल स्तर में वृद्धि हुई है और आगे स्थिति पर नजर रखते हुए जैसी भी स्थिति होगी उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आपदा विभाग और तहसील प्रशासन कृषि विभाग सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, आवश्यक सर्वे के उपरांत जिसका जो भी क्षति हुई है उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें।